वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम शिखा सोनी है और मैं वीडियो बनाती हूँ मेकअप, ब्यूटी, लाइफस्टाइल हॉल वीडियोस। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मीशो ज्वेलरी हॉल, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज। बिकॉज आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग मीशो से पैसे कैसे कमा सकते हैं, मीशो की प्रोडक्ट को सेल कैसे कर सकते हैं, आपका मार्जिन उसमें कैसे ऐड कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ें आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। मीशो की एप्लीकेशन के बारे में सारी डिटेल्स आप लोगों को देने वाली हूँ और बहुत ही सुंदर सुंदर ज्वेलरीज जो मैंने पिक करी है वो सब आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए विदाउट एनी डू लेट्स जंप टू द वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ एक ब्राइडल सेट दिखाने वाली हूँ, जो मुझे इस तरीके के बॉक्स में आया है। इसमें दो पीस मुझे रिसीव हुए हैं, एक बड़ा वाला हार मुझे रिसीव हुआ है, एक चोकर सेट रिसीव हुआ है, इयररिंग्स रिसीव हुए हैं, कुछ हाथ का भी एक ब्रेसलेट टाइप का रिसीव हुआ है, एक बेंदा रिसीव हुआ। तो चलिए मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ। और काफ़ी हैवी है, कुंदन का सेट है तो काफ़ी हैवी है। इस तरीके की बबल रैप में मुझे पैक होके आया है पूरा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसका ये कहाँ गया, ये वाला, ये एक बड़ा वाला हार है। ये देखिए, ये मुझे अच्छा लगा, नो डाउट बहुत सुंदर है। एक मोती वाला एक बड़ा सा हार है, जो कि आप ये इस टाइप से पहले पहनेंगे और जैसे दुल्हन पहनती है ना, ये जस्ट लाइक वही टाइप का है। सुंदर लगा मुझे, काफ़ी अच्छा लगा, हैवी है, क्वालिटी वाइज भी ओके है। बिकॉज ऑफ प्राइस के हिसाब से ये ठीक है, ओके है। कुंदन का सेट है, ये पूरे इसमें पर्ल लगे हुए हैं और ये यहाँ पे इस पर इस टाइप का ये ब्रेसलेट टाइप का जिसे बोलते हैं वो लगा हुआ है, जिसमें पूरा कुंदन वर्क है। ये देखिए, पूरा कुंदन वर्क है और अच्छा लग रहा था। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बाकी चीप रेट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एक मुझे ये बड़ा हार रिसीव हुआ है, देन सेकेंड जो मुझे रिसीव हुआ है वो एक ये चोकर सेट रिसीव हुआ है। और थोड़ा सा डिफेक्ट है बिकॉज इसके ये जो नीचे मोती लगे हुए हैं थोड़े से मुड़ टाइप के रहे, तो ये मुझे बस थोड़ा सा इसमें ये प्रॉब्लम लगी। बाकी प्राइस वाइज काफ़ी अच्छा है, कुंदन का सेट है पूरा और काफ़ी अच्छे कुंदन क्वालिटी के लगे हुए हैं, जो कि निकलते नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे निकल जाएंगे। इसकी ये डोरी भी काफ़ी अच्छी लगी हुई है, बहुत ही सुंदर सा लगा मुझे दुल्हन के लिए। दुल्हन के हिसाब से अगर आप कम रेट में कोई हार परचेस करना चाहते हैं, कुछ पूरा सेट परचेस करना चाहते हैं, तो ये बहुत बेस्ट है। तो एक मुझे ये चोकर सेट रिसीव हुआ है, देन उसके साथ मुझे जो रिसीव हुए हैं वो ये बड़े बड़े इयररिंग्स रिसीव हुए हैं और इयररिंग्स भी काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बड़े बड़े हैं, बहुत ही सुंदर से इयररिंग्स है। तो इयररिंग्स भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे, बड़े हैं और नीचे इसमें पर्ल लगा हुआ है, बाकी पूरे कुंदन के हैं, तो ये काफ़ी अच्छे लगे मुझे, सुंदर हैं इयररिंग्स तो, और बड़े हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी बड़े बड़े हैं, जैसे ब्राइडल्स पे थोड़े बड़े इयररिंग्स ही अच्छे लगते हैं, तो ये बड़े बड़े भी हैं काफ़ी। तो मुझे ये रिसीव हुआ। एक मुझे इस टाइप से बेंदा रिसीव हुआ है और बेंदा भी काफ़ी अच्छा दिख रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखें। तो ये मुझे एक बेंदा रिसीव हुआ है और अच्छा, ये भी बहुत सुंदर लगा। बिकॉज क्योंकि कई बार क्या होता है कि बस इतना सा इसमें कितना पार्ट दे देते हैं और बाकी पूरी इसमें एक चेन दे देते हैं, बट इसमें ऊपर तक कुंदन लगा हुआ है, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ब्राइडल्स के लिए थोड़ा हैवी और इस टाइप से अच्छा लगता है। तो ये मुझे एक रिसीव हुआ है, देन उसके बाद मुझे ये रिसीव हुआ, आई डोंट नो ये क्या है, ब्रेसलेट है क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और ये टूटा भी है, ये देखिए इस टाइप से ये टूटा हुआ मुझे रिसीव हुआ है। ये देखिए, अगर आपको पास से दिख रहा हो तो, सॉरी, तो ये टूटा हुआ मुझे रिसीव हुआ है, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये क्या है, ये ऊपर पहनने का है या हाथ में पहनने का, आई डोंट नो ये क्या है, बट मुझे तो ये हाथ में काफ़ी अच्छा लग रहा है पहन के। इस टाइप से एक सिंपल अगर ब्रेसलेट पहनना हो तो ऐसे पहन सकते हैं। तो ये एक मुझे रिसीव हुआ है इसमें ब्रेसलेट, और ये भी काफ़ी हैवी है, अच्छी क्वालिटी, अच्छा है, बस ये टूटा हुआ है तो मुझे बस ये लग रहा है कि वो टूटा हुआ तो किसी काम का नहीं रह जाता। ये यहाँ से देखिए इस टाइप से टूटा हुआ है, ने बांधने की कोशिश भी की है धागे से, बट वो टूटा हुआ निकला है। तो ये काफ़ी चीप क्वालिटी है, मतलब काफ़ी चीप प्राइस है, तो चीप प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है कि बेस्ट है, सबसे अच्छा है। तो ये एक मुझे सेट पूरा रिसीव हुआ है, पूरा कुंदन सेट है, ब्राइडल सेट है। और प्राइस फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे दे दूंगी, पिक्चर्स भी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगी, तो आप पिक्चर्स भी देख लीजिएगा और सारी चीज़ें डिटेल आपको ऊपर मिल जाएंगी। तो एक मुझे ये वाले बॉक्स में ऐसे एक ब्राइडल सेट रिसीव हुआ है, इसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी है, मतलब प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ये देखिए इस टाइप का, ये पूरा कुंदन सेट है और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सेट है,
बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसका, मतलब ना ही कहीं से टूटा है, ना ही कहीं से कुछ खराब है, और पूरा कुंदन सेट है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत हैवी है, बहुत ही सुंदर है। इस साड़ी वगैरह पे पहनने पे, लहंगे पे पहनने पे काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए, बस थोड़ा सा मुड़ मुड़ जा रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे। ये राउंड इसका शेप है, तो बिकॉज ऑफ शायद ऐसा ये ऐसा रहता है, और ये मुड़ मुड़ जा रहा है बार बार। तो ये एक सेट है, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बहुत ही खूबसूरत सेट है। पूरा कुंदन लगा हुआ है इसमें, पूरे कुंदन से बना हुआ है। ये देखिए, पूरे कुंदन से लगा। इसकी ये जो डोरी दी गई है काफ़ी मजबूत और काफ़ी अच्छी दी गई है, बिकॉज ये बिल्कुल भी नहीं टूट सकता, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। हैवी क्वालिटी के कुंदन लगे हुए हैं, तो ये सेट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। पूरा ब्राइडल सेट है, सिंपल। अगर ज़्यादा कुछ नहीं पहनना है, एक हार भी बस पहन लिया आपने किसी साड़ी के साथ या लहंगे के साथ, तो काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको कुछ और पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो काफ़ी अच्छा सेट है ये, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। देन उसके साथ मुझे जो रिसीव हुए हैं वो ये वाले इयररिंग्स रिसीव हुए हैं, और इयररिंग्स भी काफ़ी सुंदर हैं, बड़े बड़े हैं, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये वाले इयररिंग्स मुझे रिसीव हुए हैं, इयररिंग्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर इयररिंग्स हैं, बड़े बड़े हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे इयररिंग्स। ये देखिए, तो ये मुझे इयररिंग्स रिसीव हुए हैं। देन उसके साथ मुझे जो रिसीव हुआ है वो इस टाइप से एक बेंदा रिसीव हुआ है। ये देखिए, ये वाला बेंदा मुझे रिसीव हुआ है, और अच्छा लग रहा था ये बेंदा भी, तो मुझे एक ये बेंदा रिसीव हुआ है। क्वालिटी वाइज नो डाउट बहुत अच्छा है, चीप रेट है, चीप रेट के हिसाब से बहुत ही अच्छी क्वालिटी और बहुत ही प्यारा पीस है। तो एक मुझे ये मैंने पिक किया था, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा ये आप लोगों को बताऊं ज़रूर, कि बिकॉज ऑफ आप लोगों को कैसे क्या करना है, कैसे परचेस करना है। सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर से जाके आप लिंक को आप क्लिक करेंगे, लिंक क्लिक करेंगे तो आप की एप्लीकेशन खुल जाएगी। वहां से जाके आप मीशो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मीशो डाउनलोड करने के बाद आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने हो तो वो प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हैं। प्रोडक्ट परचेस करने के बाद जब आप पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे तो वहां पे एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करने का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको ये ज्वेलरी या आपको कोई ड्रेस या कुछ भी चीज आप वहां से परचेस करते हैं वो आपको किसी और को सेल करना है, तो बहुत ही सिंपल सा है। वहाँ पे आप अपना एक्स्ट्रा मार्जिन, जैसे कि अगर ये जूड़ी 500 की है और अगर आपको इस पे 200 रुपये चाहिए हैं, तो आप उसे 700 पे उसे एक्स्ट्रा मार्जिन जोड़ के आप उसे ऑर्डर कर दीजिए। देन आप उसे ऑर्डर कर दीजिए, तो जब भी इस जूड़ी आप, और आप इसको क्या करिए, इसके जो पिक्चर्स नीचे एक ऑप्शन आएगा पिक्चर शेयर करने का, आप इसकी लिंक जब अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे तो वहां जाके, वहां से अगर कोई इसे परचेस करता है तो आप उन वो जो आपका एक्स्ट्रा मार्जिन जो आपने उस पर जोड़ा हुआ है, वो एक्स्ट्रा मार्जिन जाके आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 500 रुपीज़ कट के 200 रुपीज़ आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ईजी तरीका है, आप घर बैठे बैठे भी अपना एक छोटा सा बिजनेस कर सकते हैं। काफ़ी लोग बहुत बड़े बड़े तरीके से भी बिजनेस कर रहे हैं, इसकी लिंक शेयर करते हैं, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए और एक्स्ट्रा मार्जिन जोड़ के आप पे अपना बिजनेस करिए। काफ़ी अच्छे रेट्स पे काफ़ी अच्छी चीज़ें सेल भी हो जाती हैं, तो बहुत सारे लोग ये भी कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो इसके बाद जो मैंने जूड़ी परचेस की थी फ्रेंड्स, वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने ये वाली जूड़ी परचेस की थी, इस तरह के बॉक्स में पैक सारी जूड़ीज मैंने ओपन करके देख ली है, इस तरीके के बॉक्स में मुझे रिसीव हुई है। इसमें कोई अलग से बॉक्स मुझे नहीं दिया गया है, तो ये वाले बॉक्स में मुझे रिसीव हुई है। जूड़ी काफ़ी अच्छी है, नो डाउट, बहुत ही खूबसूरत जूड़ी है, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। ये एक बहुत ही प्यारा सा चोकर सेट है, और ये देखें, पैकिंग काफ़ी अच्छे से करके दी है मुझे। इस बड़े से पैकेट में पहले मुझे उन्हें नेकलेस दिया है, एक छोटे पैकेट में मुझे इयररिंग्स दिए हैं। तो ये देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत सा चोकर सेट है, और जस्ट अ मिनट, ये देखिए काफ़ी सुंदर सा चोकर सेट है, बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही एलिगेंट सा है, बहुत ही प्यारा सा कलर है इसका, बहुत ही खूबसूरत सा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए आप, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये इस टाइप का चोकर सेट है, अगर आप इसे वेयर कर लेते हैं तो आप सिंपल इयररिंग्स पहन लीजिए, और अगर आपने सिंपल ड्रेस भी पहनी है और आप इसे वेयर कर लेते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। बहुत ही खूबसूरत सा सेट है, देखिए बहुत ही, इस पर इस टाइप के प्लास्टिक
काइंड ऑफ प्लास्टिक काइंड ऑफ कुछ ये जो लगाए हुए हैं स्क्वायर स्क्वायर से प्लास्टिक काइंड ऑफ कुछ है। नीचे इनने पूरा मोती वर्क किया हुआ है, पूरा नीचे मोती का ये लगा हुआ है, ऊपर भी पूरे मोती की लड़ लगाई हुई है। देखिए आप पास से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा सेट है। मतलब ऐसे राउंड राउंड से तो काफ़ी दिखे, बट ये ऐसे स्क्वायर में है तो काफ़ी प्यारा लग रहा था, काफ़ी सुंदर लग रहा था, पहनने पर भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये एक मैंने परचेज किया था, क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है, प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है और क्वालिटी अच्छी है, तो मुझे अच्छा लगा। एंड देन इसके बाद मुझे इस टाइप के पैकेट्स में इयररिंग्स रिसीव हुए हैं, तो इसके इयररिंग्स देख लेते हैं। इयररिंग्स भी काफ़ी बड़े बड़े हैं और काफ़ी सुंदर भी लग रहे थे। अगर आप सिंपल अगर आप सिंपल वो नहीं पहनना चाहते हैं, हार नहीं पहनना चाहते हैं, चोकर साट नहीं पहनना चाहते हैं, तो सिंपल अगर आप सिर्फ इयररिंग्स भी पहनेंगे तो अच्छे लगेंगे। किसी भी ड्रेस के साथ आप सिंपल इयररिंग्स पहन लीजिए और चले जाइए तो भी अच्छा लगेगा। तो ये काफ़ी सुंदर से इयररिंग्स है, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। नीचे का इसका ये गोल्डन जो दिया हुआ ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो इस टाइप के इयररिंग्स हैं। देन इसके साथ मुझे एक बिंदा भी मिला है, मैंने देखा नहीं था, और ये एक छोटा सा बिंदा मिला है, तो बिंदा तो मुझे कुछ खास अच्छा लगा नहीं इसका, ऐसा बिंदा है, पर मांगटी का ये मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, बच्चों टाइप का लग रहा है थोड़ा सा। तो ये अगर आप नहीं भी पहनेंगे तो चलेगा, और बाकी इयररिंग्स और जो नेकलेस है वो काफ़ी सुंदर है और वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो ये भी आप एक परचेस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जैसे शादी का सीज़न चल रहा है, अगर आप लहंगा या साड़ी कुछ हैवी सी पहनते हैं, ये जूड़े पहन लेते हैं तो काफ़ी अच्छा लगेगा। हल्दी फंक्शन में पहनेंगे इस टाइप के सेट तो काफ़ी अच्छे लगेंगे, मेहंदी के फंक्शन में पहनेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। हल्दी में अगर आप येलो साड़ी, येलो लहंगा या येलो कलर का कोई ड्रेस पहनते हैं और ये पिंक कलर का हैवी सा नेकलेस पहन लेते हैं तो काफ़ी सुंदर लगेगा। ब्राइडल्स इसे पहनेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये काफ़ी अच्छी च्वाइस है, अगर आप ये परचेस करते हैं तो आपको देखिए बहुत मज़ा आएगा पहनने पर। देन उसके बाद मैंने फ्रेंड्स ये जूड़ी परचेस की है और इस टाइप की बॉक्स में मुझे रिसीव हुई है ये जूड़ी। पैकिंग काफ़ी अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बबल रैप करके इसे मुझे दिया हुआ है, तो मुझे अच्छा लगा ये इसकी पैकिंग। और ये भी एक पूरा कुंदन सेट है, पूरा वाइट कुंदन सेट है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा। ब्राइडल्स के लिए काफ़ी अच्छा है, अपने छोटे मोटे फंक्शंस में पहनने के लिए, हल्दी मेहंदी में पहनने के लिए काफ़ी अच्छा सेट है। तो ये एक मैंने परचेस किया था ऑलमोस्ट, ये देखिए इस टाइप से ये पूरा सेट है। काफ़ी हैवी सेट है, काफ़ी खूब सुंदर सा सेट है, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये पहनने पे बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए अगर आपने लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी है या आपने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है और ब्लैक कलर की साड़ी के ऊपर अगर आपने ये वाला ज्वेलरी पहन ली तो बहुत सुंदर लगती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा चोकर सेट मैंने परचेस किया है, पूरा ऊपर कुंदन लगा हुआ है इस पर, देन नीचे इस पर पिंक कलर के पर्ल्स लगाए हुए हैं और काफ़ी सुंदर लग रहा था ये। मतलब पिंक कलर काफ़ी लाइट पिंक सा शेड है तो ये हर तरह के कलर्स पे जाएगा, येलो कलर की साड़ी पे, ब्लैक कलर की साड़ी पे, ये और ये डार्क कलर की सारी साड़ीज पे, लहंगे पे जाएगा। तो काफ़ी अच्छा लगा था कि ये चोकर सेट मैंने परचेस किया और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। तो इसके साथ मुझे जो इयररिंग्स मिले हैं वो इस तरीके के पैकेट्स में मुझे रिसीव हुए हैं। इसके इयररिंग्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, इसके साथ मुझे बिंदा भी मिला है। तो ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े इयररिंग्स हैं, ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े इयररिंग्स हैं, इयररिंग्स काफ़ी सुंदर हैं और बड़े हैं, तो क्योंकि आजकल बड़े बड़े इयररिंग्स पहनने का काफ़ी फैशन है। अगर आप सेट नहीं भी पहनते हैं, चोकर नहीं भी पहनते हैं, तो सिंपल आप उसका इयररिंग्स पहन लीजिए एंड रेडी टू गो हो जाइए, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो ये एक पहन सकते हैं आप। इसके साथ मुझे ये जो बिंदा मिला है, ये इस टाइप का बिंदा मुझे मिला है, ये देखिए इस टाइप का मुझे बेंदा मिला है। बेंदा भी काफ़ी अच्छा है, ऊपर पूरा मोती लगे हुए हैं और नीचे पूरा ये कुंदन का फूल टाइप का बनाया हुआ है। तो ये एक बेंदा मुझे रिसीव हुआ है इसके साथ और काफ़ी अच्छा सेट है, ये भी काफ़ी अच्छा लगा, बहुत हैवी है, अच्छा क्वालिटी वाइज ठीक है, ओके ओके, बहुत ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी नहीं है, ओके ओके, बट ठीक लगा मुझे। तो एक मैंने ये परचेस किया था। देन उसके बाद जो मैंने फ्रेंड्स परचेस किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ।
देन उसके बाद जो फ्रेंड्स मैंने परचेज किया है वो इस टाइप के बॉक्स में मुझे एक सेट रिसीव हुआ है। ये भी एक बहुत ही प्यारा सा चोकर सेट है, बहुत ही खूबसूरत सा सेट है, थोड़ा सा लाइट वेट है और पहनने पे काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो डे के फंक्शन में काफ़ी अच्छा लगेगा ये पहनने में, बिकॉज ऑफ लाइट कलर्स ज़्यादातर डे फंक्शन में काफ़ी अच्छे लगते हैं। काफ़ी अच्छे से बबल रैप किया हुआ है इन लोगों ने, अच्छे से पैक करके दिया है, मैंने अभी तक इसे खोला भी नहीं है, तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ऐसे ये देखिए पीछे भी इन लोगों ने ऐसे तार से बांध के इस टाइप से दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे से पैक करके दिया है, बहुत ही सुंदर भी लग रहा है ये देखने में। अभी तक मैंने इसे ओपन ही करके नहीं देखा है कैसा है, आपके सामने ही मैं इसे फर्स्ट टाइम ओपन कर रही हूँ। और ये देखिए इस टाइप से ये पूरा हार है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा। चलिए इसे खोल लेते हैं। इस टाइप के सेट फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं काफ़ी शादी फंक्शन में, डे फंक्शन में काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं पहनने में। और ये देखिए ओहो, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इसे पैक किया हुआ है। बस इसकी पैकिंग अगर अच्छी होती है ना तो मेरा दिल खुश हो जाता है कि चलो सब जो सप्लायर है वो काफ़ी अच्छा है, वो चीज़ों को ध्यान से पैक करके अगर भेजता है तो ऐसा लगता है कि हाँ अच्छा है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा हार है, ये देखिए बहुत ही प्यारा है, बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ओह माय गॉड, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अभी से जल्दी से किसी ना कोई शादी निकला है मैं इसे पहन लूँ। बहुत ही प्यारा सा हार, ये देखिए पूरे इसमें पूरा ऊपर पूरे ये देखिए कुंदन लगा हुआ है, और कुंदन भी नहीं है, आई थिंक ये कांच वर्क होता है, आई थिंक ये वो है कांच वर्क पूरा। कितना शाइन कर रहा है, क्वालिटी वाइज नो डाउट सुपर क्वालिटी है, सुपर क्वालिटी है, बहुत ही खूबसूरत है। नीचे पूरे ग्रीन कलर के पर्ल लगे हुए हैं इसमें, और ये डबल लेयर जो लगी हुई है ना ये बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। इसकी जो ये बांधने वाली डोरी है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लगाई हुई है, तो कितना सुंदर लग रहा है, मतलब मुझे तो देख ही भाग गया ये, ओह माय गॉड, ये ऐसे लगा लो, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा सा ये सेट है। और एक मैंने ये चोकर सेट परचेस किया था, तो ये मुझे बहुत ही सब सारे सेट्स में सबसे अच्छा मुझे ये लगा। देन उसके साथ मुझे जो रिसीव हुए हैं वो इस टाइप की इयररिंग्स रिसीव हुए हैं, जो कि उन्होंने इयररिंग्स को भी काफ़ी अच्छे से पैक करके दिया है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सेट को ऐसे ही उठा के भेज दिया हो, बस जैसे कई सप्लायर ऐसे ही करते हैं कि बस उठाया और भेज दिया, चाहे वो टूटे कुछ भी हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे पास तक पहुंचते पहुंचते सारी चीज़ें टूट जाती हैं। जूड़ी के कई बार नक्स निकल जाते हैं, कई बार उसके कुंदन निकल के अलग हो जाते हैं, टूट जाता है बहुत गंदे तरीके से। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये सप्लायर्स काफ़ी अच्छे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से पैक करके पूरी जूड़ी दी है। इसे खोलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 2 मिनट बस हो गया, अपन काफ़ी अच्छे तारों से पैक करके दिया है इसे। जस्ट मिनट फ्रेंड्स, जब तक मैं खोल रही हूँ सेट को, आप प्लीज मेरे चैनल को, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिसमें मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मैं कैसी लगी, मेरी सारा कलेक्शन कैसा लगा, अभी तक आपने जितनी भी जूड़ी देखी वो आपको कैसी लगी, प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओ माय गॉड, जूड़ी तो देखो, बहुत ही खूबसूरत जूड़ी है, बहुत ही खूबसूरत। तो ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सी जूड़ी इयररिंग्स है, और सिर्फ आप इयररिंग्स ही पहन लो काफ़ी है, कुछ और पहनने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सुंदर डिज़ाइन और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इयररिंग्स है। ये देखिए ये इयररिंग्स है, और बेंदा भी इसका बहुत ही खूबसूरत बेंदा दिया हुआ है, ये देखिए इसका बेंदा, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा इसका बेंदा दिया हुआ है, ये भी बेंदा भी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। ये सेट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत है, बिकॉज ऑफ कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है, इतना ज़्यादा इतना प्यारा शाइन कर रहा है, बिल्कुल भी ओवर नहीं लग रहा है, और बहुत ही डिसेंट सा सेट है पूरा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप ये वाला ज़रूर परचेस कर सकते हैं। सारे वीडियोस के कोड मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोड्स मिल जाएंगे फ्रेंड्स। देन उसके बाद मैंने जो सेट परचेस किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने मुझे एक इस तरीके से बॉक्स में रिसीव हुआ है एक सेट, और ये भी काफ़ी अच्छा चोकर सेट है।
ये भी काफी सुंदर सा चोकर सेट है। एक मैंने ये वाला सेट परचेज किया है, इसे भी इन्होंने बबल रैप वगैरह करके अच्छे से पैक करके दिया था। तो ये एक सेट है, ये देखिए इसका क्वालिटी वाइज नो डाउट बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। ये पूरा सेट इस टाइप का सेट है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा था ये देखिए। और पिंक कलर का, इसमें काइंड ऑफ पिंक कलर के थोड़े से लाइट, थोड़े से डार्क पिंक जो होते हैं रानी से थोड़ा कम वाला कलर, वो वाले कलर के इसमें पूरे में मोती लगे हुए हैं, प्लस पूरा गोल्डन कलर का सेट है। नीचे इन्होंने वाइट और पिंक कलर के पर्ल्स लगाए हुए हैं ये देखिए, और बहुत ही खूबसूरत सा सेट है, बहुत ही प्यारा चोकर सेट है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसकी ये जो डोरी है ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दी हुई है, आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इन सभी सेट में इस टाइप के मोती पीछे से लगा के दिया हुआ है, तो आप कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा करके इसे ईजिली वेयर कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, पीछे देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको चुभेगा या कुछ होगा, पीछे भी इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसे बनाया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से तारों से पूरा इसे पैक किया हुआ है, तो ये बिल्कुल भी नहीं चुभेंगे, बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, काफ़ी अच्छे से फिक्स किया हुआ है इसे, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बहुत ही खूबसूरत सा सेट है, बहुत ही डेलिकेट सा सेट है, दिन के फंक्शन में पहने, रात के फंक्शन में पहने, किसी भी टाइम पे पहने काफ़ी अच्छा लगेगा। देन इसके साथ मुझे इयररिंग्स मिले हैं, इयररिंग्स थोड़े छोटे छोटे से हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ इयररिंग्स बड़े होने चाहिए थे, काफ़ी छोटू उत्तू से पैक करके दिए हैं, बट देखते हैं कैसे हैं, मैंने अभी तक इसे खोल के नहीं देखे हैं। इस टाइप की इयररिंग्स है, बट ठीक है, बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं है, बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं है, ऐसे क्यूट क्यूट से छोटू छोटू से इयररिंग्स है, गोल्डन कलर की पूरे इयररिंग्स है, एंड पिंक कलर का इस पे इस टाइप का वर्क लगा हुआ है, तो ये वाले इस टाइप के इयररिंग्स हैं, और अच्छे लग रहे थे इयररिंग्स भी छोटे छोटे। बाकी इसके साथ मुझे और कुछ भी नहीं मिला है, सिंपल बस एक चोकर सेट है और इयररिंग्स है, नाइन कोई बेंदा वगैरह मुझे कुछ भी नहीं मिला है इसके साथ, तो ये एक सेट मैंने परचेस किया था। देन इसके बाद जो लास्ट मैंने परचेस किया है वो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ, और वो भी काफ़ी अच्छा सेट है, छोटे से इस टाइप के बॉक्स में आया है, मुझे छोटी सी डब्बी में इन्हें पैक करके दिया है, बट काफ़ी अच्छा लगा। ये भी पूरा कुंदन सेट ही है, आज मैंने ज़्यादातर कुंदन सेट परचेस किए हैं बिकॉज ऑफ शादी के सीज़न है, और शादी के सीज़न में इस टाइप के सेट ही ज़्यादा चलते हैं, बिकॉज शादी में इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हैवी क्वालिटी का है ये भी पूरा, काफ़ी हैवी है सेट है, ये देखिए काफ़ी हैवी सेट है, और बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा सेट है। ज़्यादा किसी को, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पहना है, सिंपल बस सिंपल सा ही कुछ पहना है, तो अगर आप सिंपल सा ये वाला सेट पहन लेते हैं अपने गले में, और कुछ और पहनने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ये पहन लीजिए बस, ज़्यादा कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है। ये हर तरह की कलर की साड़ियों पर जाता है बिकॉज ऑफ ग्रीन कलर, आपको पता है कुंदन में जो ये ग्रीन कलर है, ये हर तरह के ड्रेस के साथ आप पहन सकते हैं, और काफ़ी अच्छा भी लगता है। पूरा ऊपर पूरा कुंदन लगा हुआ है, ये देखिए पूरा ऊपर कुंदन लगा हुआ है, नीचे पूरे ग्रीन कलर के मोती लगे हुए हैं, इसकी डोरी भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दी हुई है, काफ़ी सुंदर सेट है, तो ये मुझे एक सेट बहुत ही अच्छा लगा। ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सेट है, नो डाउट क्वालिटी बहुत ही प्यारी है। इस टाइप से छोटू से पैक में मुझे इयररिंग्स मिले, छोटू छोटू से इयररिंग्स है, प्यारे से क्यूट से इयररिंग्स है, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं इयररिंग्स भी, छोटू छोटू से इयररिंग्स है, प्यारा सा हार है, बहुत ही डेलिकेट सा है, बहुत ही सुंदर सा है, और छोटे से अगर आप मतलब ज़्यादा कुछ हैवी मेकअप या हैवी कुछ नहीं पहनना चाहते, हैवी मेकअप किया लाइट ज्वेलरी पहनना चाहते, तो ये बहुत बेस्ट है, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इस टाइप से इसके इयररिंग्स दिए हुए हैं, और काफ़ी सुंदर सेट है, काफ़ी डेलिकेट सा प्यारा सा सेट है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो एक मैंने ये परचेस किया था। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको ये सारे सेट दिखाए, आपको सबसे अच्छा सेट कौन सा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको सबसे अच्छा सेट कौन सा लगा, आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा लगा, आप कौन सा परचेस करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इन सब के कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज मीशो पे लिंक्स नहीं होती हैं, सिर्फ कोड्स होते हैं, तो मैं आपको कोड्स दे दूंगी बिकॉज लिंक्स वहाँ पर नहीं ओपन होती हैं, वहाँ मतलब लिंक्स होती ही नहीं है, तो वहां पे जाके मैं दे दूंगी। और अगर तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, जिसमें आपको मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, टेक केयर, बाय बाय।